अथ द्वंद्व समास प्रकरणम्। द्वंद्व समास प्रकरण आरंभ होता है चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, चार्थे सप्तमी के एक वचन, द्वंद्व प्रथमा का एक वचन। अनेकम सुमंतम चार्थे वर्तमान वासमसत स द्वंद्व। अनेकम अन्य पदार्थ है, अनेकम को लाया जाएगा, सुभामंत्रित सुप को लाया, इसे अनेकम सुभांतम। और बौरी समास अन्य पदार्थ था, ये कह दिया चार थे। अनेक सुबंधों का च के अर्थ में विद्यमान होने पर समास होता है, और समास का नाम जो है द्वंद समास होगा। च के कितने अर्थ हैं, उनमें से कितने अर्थों में समास होगा, कितने में नहीं होगा, उसके लिए कहते हैं समुच्चयानुवाचयेत्रेत्र योग समाहाराश्र चार्थः। समुच्चयानुवाचयेत्रेत्र योग समाहाराश्चार्थः, ये च के अर्थ है चार, समुच्चय अनुवाचे इत्रेत्र योग और समाहार, ये चार जो है च के अर्थ होते हैं। इनका प्रत्येक स्वयं लक्षण भी बता रहे, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा बिना ही जो अनेक सुबंध है उनको एक क्रिया में समन्वय कर दिया जाए, ऐसे का नाम समुच्चय है। वाचकार का अर्थ समुच्चय अर्थ हो जाएगा। अन्यतरस्य आनुषंगत्वे अनुवाच, एक प्रधान है और दूसरा गौण है, सापेक्ष है या गौण अपेक्षा है, ऐसे में जब एक क्रियान्वय होता हो तो या भिन्न भिन्न क्रियाओं को भी अन्वय होता है सापेक्ष होता हुआ, तो वहाँ पर अनुवाच कहा जाएगा। इन दोनों में समास नहीं होगा। मिलिता नाम अन्वय इतरे 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 होगा, परस्पर मिल करके एक क्रियान्वय होता हो वहाँ पर इतरे इतरे द्वंद होगा। समूह समाहार, और समाहार कर करते हैं समूह। एक एक का दृष्टान्त दे रहे, तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति समुच्चय। ईश्वरं गुरुं च भजस्व, ईश्वर का भजन करो और गुरु का भी भजन करो। भजन में दोनों अन्वय हो रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के सापेक्ष नहीं है। ईश्वर भजन गुरु सापेक्ष है, गुरु भजन सापेक्ष नहीं है, और गुरु भजन जो ईश्वर भजन सापेक्ष नहीं है, दोनों स्वतंत्र है। भिक्षामट गाम च आनय इति अन्वाचे च न समासो असामर्थ्यात्। भिक्षा जाना ये मुख्य कर्म है, भिक्षा के लिए जाना, भिक्षाम अट गौण है आनयन क्रिया, और गौण कर्म वह गाम, गाम च आनय, भिक्षा के लिए जाना, और रास्ते में यदि आश्रम का गाय दिखे तो ले आना, नहीं तो उसके पीछे नहीं भागना है, गाय को ढूंढने में लग जाएगा भिक्षा ही छोड़ देगा, ऐसा नहीं करना। जो प्रधान है भिक्षा, उसके लिए अटन क्रिया प्रधान हो गया, आनुषंगिक है गाम आनय, रास्ते में दिखा तो उसको भांगते हुए लेके आएगा, नहीं तो सीधा सीधा भिक्षा लेके आ जाएगा। यहाँ पर सामर्थ्य एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य ना होने से इन दोनों ही पक्ष में समास नहीं होगा, दोनों में एकार्थी भाव नहीं ना। ईश्वरम गुरुम अनेकम सुबंतम पहले में, यहाँ पर क्या भिक्षाम गाम दो अनेक सुबंध है, इनका परस्पर में कोई अन्वय है ही नहीं है ना, निरपेक्ष है, एक क्रियान्वय हो या भिन्न क्रियान्वय हो दोनों में निरपेक्ष है, वहाँ एक दूसरे का आत्यंतिक निरपेक्षता है गुरु और ईश्वर भजन में, और यहाँ पर एक प्रधान एक गौण भाव से सापेक्षता है, और एक भिन्न क्रियान्वय है उधर एक क्रियान्वय है, भजस्व गुरुम भजस्व ईश्वरम भजस्व एक क्रियान्वय है, यहाँ पर अट आनय भिन्न क्रियान्वय है, वो अत्यंत निरपेक्ष है ये सापेक्ष है किंतु प्रधान गौण भाव से सापेक्ष है, तो मिलके एक अर्थ संपादन कर में सामर्थ्य इनका नहीं रहेगा, अतिव समास नहीं होगा। भाई अटन करेगा तब न रास्ते में दिखेगा गाय, यदि जाएगा ही नहीं तो गाय कहाँ से दिखेगा, भिक्षा के लिए जा रहा है, जाते जाते दिखा या आते आते दिखा तो उसको भी लेके आ रहा है ना। सब प्रधान तो क्रिया है अटन, और उसका कर्म है भिक्षा, ये प्रधान हो गया, उस प्रधान के आनुषंगिक प्रासंगिक आप क्या कर रहे हैं गौ को भी ले आ रहे, मिल गया तो लाए नहीं तो नहीं लाए, इसे गौण हो गया नहीं। यदि प्रधान तो नहीं गाय का लाना पहले भिक्षा ना लाओ कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है ना, तभी क्या होगा गाय प्रधान हो जाएगा भिक्षा गौण हो जाएगा, यदि ऐसा कहोगे तो तब भी समास नहीं होगा।
दोनों समय प्रधान चाहिए ना, द्वंद समास के लिए दोनों समय प्रधान होता हुआ एक आर्ति भाव अन्वय होना चाहिए। नहीं यहाँ जिस ईश्वरम गुरम दोनों समय प्रधान है किंतु निरपेक्ष है, और यह दोनों समय प्रधान ही नहीं सापेक्ष होने पर भी काम और भिक्षा में समय प्रधान नहीं रहा, यह अलग क्रिया अलग क्रिया से जुड़ रहा है, भिन्न प्रधानता हो गई, ये गौण एक मुख्य हो गया, आज समय प्रधान नहीं रहा, इसलिए यहाँ भी एक आर्थिक सामर्थ्य नहीं रहा, अतः इन दोनों ही पक्षों में समास नहीं हो सकता। धव खधिरव छिंदी क्रियान्वय करेंगे, धव खधिरव छिंदी, धव और खदिर, खदिर तो पेड़ होता है, उस पर धव एक लता है, अब पेड़ काट लगे लता भी कट गई, दोनों को एक साथ काट दिया, यहाँ पर भी साहित्य है वहाँ भी साहित्य है, किनमें समाहार द्वंद में भी दोनों में साहित्य है, लेकिन साहित्य में अंतर है, साहित्य में अंतर रहेगा देखो बताएंगे। और समाहार दृष्टान्त है संज्ञा परिभाषा, संज्ञा च परिभाषा चेति संज्ञा परिभाषा, धवश्च खदिरश्च इति धव खदिरौ छिंदी के साथ अन्वय होगा। देखिए थोड़ा अनेकम अन्य पदार्थ इति तो अनेकम इत्यनुवर्तते सुभामंत्रिते इत्यस्मात् सुभपि, सुभामंत्रिते सुप्लार समास इति विभाषा इति च अधिकृत इन दोनों का अधिकार है ही है, तदाह इन सबको भी मिला करके बोला वृत्ति अनेकम सुभंतम इत्यादि चार तय च शब्द द्योत्याति, च शब्द द्योत्य चार अर्थ होते हैं, वाच्य नहीं है, अब ये हमेशा चाद्यादिगण जो है वाच्य नहीं होते हैं द्योतक होते हैं, उपसर्ग भी आगे सब द्योतक ही है। एकस्मिन इति भजनादव इत्यर्थ है न, एकस्मिन अन्वय ईश्वरम गुरुंच भजस्व इति क्रियाम द्रव्य हो समुच्चय हो अयम, क्रिया में दोनों द्रव्यों का समुच्चय कर रहे हैं, तथा राज्यो गजश्चाश्वश्चेति द्रव्य द्रव्यो समुच्चय, क्रिया में दो द्रव्य का संयोग था या अद्रव्य में दो द्रव्यों का संयोग, राज्यों राजा का है ये कौन गजश्च अश्वश्च, यहाँ पर द्रव्य एक द्रव्य कौन है राजा, उसमें दो द्रव्य गज और घोड़ा इनका समुच्चय किया जा रहा है, पटः शुक्लो रक्तश्च इति द्रव्य गुणयो समुच्चय, पट द्रव्य उसे शुक्ल और रक्त दोनों रंग है ये बता रहे हैं आप, इसे एक द्रव्य में दो गुणों का समुच्चय किया जा रहा है, रक्ता पट कुंडलंच इति गुणे द्रव्यो इति उह्य, रक्त पट भी है और रक्त कुंडल भी है, कुंडल भी लाल रंग का पहना हुआ है, इसलिए दो द्रव्य यहाँ पर एक गुण है रक्त, एक गुण में दो द्रव्यों को समुच्चय किया गया है, इन सभी जगहों में समास नहीं होता है। भिक्षा मटक गान चाहनी थी अत्र ही अदर्शनाद गाम अनानयनपि भिक्षाम अटत्येव, देखो यदि गौ दिखाई नहीं दिया तो गौ को लाएगा नहीं, लेकिन भिक्षा तो जरूर करेगा, वो तो करना ही है उसने अवश्यम भावी है, अनटंस तो भिक्षाम न गाम आनयती, और यदि भिक्षा को नहीं लाएगा और केवल गाय को लाएगा ऐसा हो नहीं सकता, भिक्षाम अनटन गाम आनयती थी ना, ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रधान है भिक्षाटन, तथा अटन्नपि न अनन्वेष्य गाम आनयती, और भिक्षा को अटन करके न अन्वेष्य गाम आनयती, गाम का अन्वेषण करके वो नहीं लाएगा, भिक्षा मिल गया सीधा आएगा, सीधा आ गया भिक्षा के लिए सीधा आ रहा है भिक्षा से, गाँव का गाँव गाय का अन्वेषण भी नहीं करेगा, जाते उन्हें ढूंढेगा ना आते ढूंढेगा, दिखाई दिया लिया आया, नहीं दिखाई दिया तो ऐसे आ गया, अतो भिक्षाटन से ही प्राधान्य गवान से तो आनुषंगिकता, इसलिए इन दोनों पक्षों में असामर्थ्या एकार्ति भाव अभावादित्यर्थ, एकार्ति भाव रूप सामर्थ्य से इन दोनों पक्षों में समास नहीं होगा, तथा ही बहुरी घटक प्रदान कर्माद्यंतर्भावेण इव द्वंद्व घटक प्रदान च अर्थांतर्भावेण एकार्ति भाव आवश्यक, इस जैसे बहुरीक में जो घटक पद थे उनमें आप क्या बोलते हैं अंत में यम ये न यस्मय यस्मात यस्य यस्मिन अंत में जोड़ देंगे, नहीं वो अर्थ उसमें जुड़ा हुआ रहता है बहुरी का अन्य पदार्थ में, ये शब्द का जो अर्थ हम ले रही विभक्ति अर्थ बहुरी का जो शब्द है उनके साथ वो अर्थ भी जुड़ करके अन्य पदार्थ बोध होता है,
यम ये ना यसे इत्यादि जो है इन ये भी उस अर्थ में छिपा हुआ है, अन्य अर्थ में प्रकाशन कर रहे हैं ना, वो भी उसमें शामिल मानना पड़ेगा। इसलिए वाचार्थ है। हाँ, ये इनका कहना है कि जैसे बहुवरी घटक पदानाम कर्मादि, कर्मादि मैंने यमादि, यम ये ना इत्यादि जो बोल रहा हूँ उसको अंतर्भावेण, बहुवरी पदों में भी उनका भी अंतर्भाव हो जाता है। उसी प्रकार से द्वंद्व के घटक जैसे धवश्च खदिरश्च, धव और खदिर ये दो है समास के घटक, इसी में च का अर्थ भी समाविष्ट हो जाएगा। द्वंद्व घटक पदानाम च अर्थ अंतर्भावेण एकार्थी भाव, च अर्थ को उसी में अंतर्भाव करके एकार्थी भाव समझना होगा, तभी समास होता है। तद अवयवत्वम तद घटकत्वम, ये नियम है। जो घट का अवय होने से घट का घट कौन हो जाएगा, कपाल, कपाल घट का घट है, कपाल घट का घट का मतलब कपाल उस घट का अवयव है, जिसका अवय हमें बताना होगा कि उसका ये घटक है कहा जाएगा। भवरी समास का घटक का मतलब क्या, उसकी अवयव, इसे सीधे लक्षण किया गया घटकत्व मैंने तद अवयवत्वम संक्षिप्त तद घटकत्वम, बस उसे घटित अवयवान अवयवी को कहेंगे ना फिर वह घटक, कौन से घटित कौन होगा, अवयवी होगा। समर्थ पदविधि परिभाषितत्वात्, समर्थ पदविधि ऐसे पहले निश्चय कर दिया है, पद संबंध विधि कैसे होगी, जहाँ सामर्थ्य होगी वही होगी। चार्त्य द्वंद्वितुक्तश्च, यहाँ भी च का अर्थ में द्वंद्व समास होते कह दिया गया। न च इतर इतर अन्वय परस्पर निरपेक्षाणाम एकार्थी भाव संभवति, इतर इतर का अन्वय हो और परस्पर निरपेक्ष हो वह एकार्थी भाव तो हो नहीं सकता। ये न समुच्चय अन्वाच्य एकार्थी भाव अंतर्भूत स्याता, जिससे समुच्चय और अन्वाच्य रूप जो च का अर्थ है उसको एकार्थी भाव में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है, अथवा समास नहीं होगा। ततश्च इतरेतर योगी समारे च परस्पर साहित्य सत्वात समासो भवति, और परस्पर साहित्य होने के नाते यह समास होगा। न तो समुच्चय अनुवाची हो, समुच्चय अनुवाच्य में नहीं होगा, बता रहे उन्हें मिल करके करना, अभी बता ना दोनों मिल करके, चाहे समूह हो चाहे इतरेतर योग हो, दोनों में क्या होता है साहित्य रहता है, मैंने मिल करके जुड़ रहे, जुड़ करके कार्य करेंगे। धवर कर दोनों का क्रिया के साथ अनुवाच, संज्ञा और परिभाषा दोनों का समूह का अवयव बनना होता है, उसको कहते हैं। अब वहां पर क्या अंतर क्या है, फिर दोनों में साहित्य अर्थ निकल रहा है, फिर समास के दो भेद क्यों किया आपने, एक ही रखो इतर इतर योग या समाह रखो। परंतु समझा रहे, परंतु इतर इतर योगे साहित्यम विशेषण द्रव्यंतु विशेषम, इतर इतर में क्या होता है जो साहित्य बोध हो रहा है द्वंद्व समास चौक के द्वारा वो हो जाएगा विशेषण, और जिन द्रव्यों का साहित्य बता रहा है वो द्रव्य हो जाएगा विशेष्य, और समारोह उल्टा होगा। समारे तो साहित्यम प्रधानम द्रव्यम, प्रधान मने विशेष्यम, साहित्य हो जाएगा विशेष्य और द्रव्य हो जाएगा वहाँ विशेषण, कि समूह प्रधान हो गया ना वहाँ। समार द्वंद में क्या होता है समूह प्रधान हो गया, मैंने साहित्य प्रधान हो जाता है, मैंने साहित्य विशेष्य हो गया, और जिनका साहित्य बता रहे हो वो द्रव्य विशेषण हो जाएगा, अधो द्रव्य वो विशेषण रहेंगे, इन दोनों का समूह ऐसा कहा जाएगा, और वहाँ अंतर हो जाएगा। इस साहित्य विशिष्ट दोनों द्रव्य इतने द्वंद में, द्रव्य वहाँ पर विशेष है, साहित्य विशेषण इतर इतर में, विपरीत में यहाँ पर आएगा साहित्य विशेष है और द्रव्य विशेषण हो जाता है। इसलिए हमें दो अलग अलग समास माना, यद्यपि दोनों का च का अर्थ वास्तव में अंततोगत्व साहित्य ही लेना होगा, भले नाम इतरे इतर कर रहा हूँ परस्पर मिलिता नाम कह दे रहा हूँ या समूह कह देता हूँ, या मुख्यार्थ उसे क्या होगा साहित्यम दोनों, लेकिन विशेषण विशेष भाव का अंतर हो जाने के कारण से च का अर्थ हम कहाँ रख रहे हैं, च द्रव्य का विशेषण बन रहा है या च द्रव्य का विशेष बन रहा है उस पर निर्भर है। यदि च कर साहित्य द्रव्य का विशेषण बनता है वहाँ इतर इतर द्वंद माना जाएगा, यदि च कर साहित्य द्रव्य का विशेष बन जाएगा वहाँ पर हम समुच्चय समार द्वंद कहेंगे। लिंग की व्यवस्था तो लिंगम तो लोकात है, उसे हमें कोई झंझट ही नहीं है, समार द्वंद का व्यवस्था अलग दे दिया आपने, सन अपुंसकम एक भाव हो जाता है, द्विगुर एक वचनम के आदर्श अनुवृत्ति करके एक वचन कर देते हैं आप,
लेकिन वो व्यवस्था वास्तव में लोकानुसार है ना, कि हमेशा लिंगानुशासन क्या है, लोकात है, लोकाधीन लिंगानुशासन है। अतएव सामान्य व्यवस्था दिया केवल गाय जबंता फूसी गाय अच अप्रत्यांत पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन गए प्रत्यांत नपुंसकलिंग में प्रयोग हो जाता है, शेषम पुंबत कैसे प्रयोग कर दिया, शेषम बना नपुंसकलिंग शिशलरी धातु है, शिष से घई वाला उपदगुण शेषा बन गया, घयंत पुलिंग होना चाहिए, आप नपुंसकलिंग में प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग तो हमेशा लोकात है, लोक में जिस व्यवहार में जिस प्रकार से शब्दों का लिंग व्यवस्था प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार हम शास्त्र में भी मानते हैं। एक सामान्य व्यवस्था दे दी गई लिंगानुशासन का, इसलिए उस पर इतना महत्व लोग देते नहीं, कि भाष्कर यार जब जब बोलते स्त्री तुम लोग कहा के नपुंसकम लोग कहा ऐसे बोल देते हैं, इसलिए लिंग की व्यवस्था मुख्य नहीं है यहाँ, और विशेषण विशेष भाव से च का अर्थ कहाँ बैठ रहा है वो मुख्य होता है। ननु नीलोत्पम इत्यादि च शब्द अंतर्भावेण विग्रह दर्शनात् एकार्थी भाव सत्वाच्च द्वंद्व दुर्वार स्यात्। फिर तो कर्मदार समास का बाद हो जाएगा, कहते नीलोत्पलम इत्यादि में च शब्द अंतर्भाव, आप नीलंच उत्पलंच बोलते हो, च तो बोलते हैं आप, तो च शब्द के अंतर अर्थ नहीं बोल रहा है, इसे जान के बोले पूर्व पक्ष को च शब्द अंतर्भाव, च का अर्थ अंतर्भाव नहीं बोल रहा पूर्व पक्ष है ना, चालाकी से फंसा रहे कोशिश कर रहा है, च शब्द का उच्चारण वहां भी हो रहा है। अतः विग्रह दर्शनाद एकार्थ भाव सत्वा च, और एकार्थ भाव तो है ही, अतः उसको भी द्वंद्व कोटि में ले लो। यमयवाम विशेषण विशेषण इति सामनाधिकरण्य विहितया तत्प्रसंजया द्वंद्व संजाया बाधात्। विशेषण विशेषण बावणम किसके द्वारा, सामनाधिकरण में विहित जो तत्प्रसंज्ञा के द्वारा द्वंद्व संज्ञा का बाध हो जाता है। तस्यास्तु असामनाधिकरण्य सावकाशत्वात्, क्योंकि जो है तत्प्रसंज्ञा असामनाधिकरण में भी काम कर ही रहा है। सामनाधिकरण्य अभाव विवक्षायां तो प्रमाण प्रमेय इत्यादि इव नीलोत्पलादो अपि द्वंदे इष्टापत्तिरेव। यदि आप सामान्य अधिकरण के अभाव विवक्षा करोगे नीलोत्पलम में तब तक तो कोई आपत्ति नहीं। इसे प्रमाण प्रमेय षोडश पदार्थानाम, तो वह जैसे वो कहते हैं जो उसके ज्ञान से निश्चय की प्राप्ति होती है, वह प्रमाण प्रमेय आदि क्या है, परस्पर भिन्न वस्तु है, वहां पर सबका क्या आपने किया कहीं साहित्य तो है नहीं, द्वंद समास आप कर रहे हैं, सामनाधिकरण अपेक्षित नहीं है, वहाँ पर प्रमाण जहाँ पर है वहाँ प्रमेयत्व नहीं, जहाँ प्रमेयत्व वहाँ प्रमाणत्व नहीं, सामनाधिकरण तो हो नहीं सकते इन दोनों का। नीलोत्पल ऐसा नहीं ना, जहाँ उत्पल है वहाँ नील है ये सिद्ध करना आपने विशेषण दे रहे हैं आप, बस सामनाधिकरण है। लेकिन यदि भी नील और उत्पल में भी सामनाधिकरण विवक्षा नहीं करोगे तो कर्मदार समास नहीं होगा, फिर द्वंद समास ही किया जाएगा। सामनाधिकरण विवक्षा करेंगे तो कर्मदार समास, नहीं करेंगे तो वहाँ भी द्वंद समास हो जाएगा। नील और उत्पल दो है, ये उत्पल का रंग नहीं बता रहे, फिर वहाँ पर उत्पल है मैंने कमल है साथ में नीला रंग भी रखा हुआ है, ये अर्थ हो जाएगा, परस्पर निरपेक्ष होगा अत्यंत, तब द्वंद समास कर देंगे। नंदे इष्टापत्रे व द्वंद समास करोगे तो इष्टापत्ति मानी जाएगी। अमूल में कहते हैं अनेकोक्तिर, अनेकम का अनुवृत्ति किया आपने, और अनेकम सुमंतम क्यों कहा, दो को लेकर समाज के दृष्टान्त बन ही रहे हैं। कहते अनेकोक्तिर होत्र पोत्र नेष्ट उद्गातार, ये बन जाएगा होत्र होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता चीति होत्र पोत्र नेष्ट उद्गातार, ये बनेगा। निष्ठ्री को आनंद हो गया, आनंद का आ बच गया, गुण हो गया उनके साथ निष्ठोदगातारा बनेगा, एक ही को आनंद होगा। यदि आप दो दो अलग अलग करके द्वंद समास कर दिया, द्वंद गर्भित द्वंद करोगे, द्वयोर द्वयोर द्वंद्वं कृत्वा पुनर्द्वंद्वे तो होता पोता निष्ठोदगातारा बन जाएगा। पहले होता च पोता च अलग बनाओ, होता पोतारो बन जाएगा, होत्री को आनंद हो गया, आनंद रितो द्वंद्व रिको आनंद हो जाता है, निकान बचा न कर लो पर आ बचेगा वहाँ, होता पोतारो बन गया, फिर निष्ठा उद्गातारो बन जाएगा, निष्ठा च उद्गाता चीती निष्ठ उद्गातारो,
अब कहीं होता पोता रहो च नेशनल गाता रहो च, कहीं अब देश होता पोता रहो में था, वहां पर क्या हो जाएगा री को आनंद हो जाएगा, अब वो पूर्व पद हो गया, अरे उस पूर्व पद को आनंद हो जाएगा, वो भी आकारांत हो जाएगा। तो होता पोता नेष्टा उद्गाता रहेगा, गुण तो हो गया, एक साथ सब आकारांत दिख गए, होता पोता नेष्ट उद्गाता रह बन जाएगा। इस पर देखे होत्री पोत्रे थी उत्तर पदत्व अभावात अन्योर आनंगना, तो होत्री और पहला रूप में क्या है, होत्री और पोत्री इन दोनों का आनंद नहीं हुआ, क्योंकि उनमें पूर्व पदत्व नहीं है, उत्तर पद परकत्व न रहने से उनको आनंद नहीं होता। इस पर ऊपर वाले को देखिए बाल रूप में थोड़ा होता च पोता च निष्ठा च उद्गाता च विग्रह वाक्य विग्रह भूनाम भी द्वंद्वार्थम अनेक ग्रहण भाव आनंद द्वंद्वी निष्ठ शब्द से उत्तर पद परकत्वाद आनंद, केवल निष्ठ शब्द को आनंद होगा उत्तर पद परम मिलने से, न तो होत्र पुत्र शब्द और भी उन दोनों का नहीं होगा। उत्तर पद से मध्यम पद व्यवहितत्व ना, क्योंकि उत्तर पद संज्ञा है जिसका, किसका है, उद्गात्री का, और उसका और इन दोनों के बीच में क्या है, निष्ठ शब्द आ गया, मध्यम पद में व्यवधान हो गया, इसे होत्र और पुत्र शब्दों का आनंद नहीं होगा। होत्र पोत्र शब्द और उत्तर पद प्रकत्व भावात न तरी होता पोता निष्ठ उद्गाता आ रहा, इति कथम, ये प्रयोग कैसे हो गया फिर, इतः द्वयोर द्वर्ति, पहले एक समास बना लो, होता च पोता चेति द्वयोर द्वंद्व, वह होत्र शब्द से आनंद हो जाएगा, तथा उसके बाद निष्ठा च उद्गाता चेति द्वयोर द्वंद समास करो, या निष्ठ शब्द से आनंद हो जाएगा। तद होता पोता रव च निष्ठा उद्गाता रव चेति द्वंद द्वय गर्भ द्वंद समास, दो द्वंद समासों को लिख करके एक तीसरा द्वंद समास बना दे रहे हैं। तत्र निष्ठ उद्गात्र शब्दे उत्तर पदे होता पोत्र शब्द से आनंदित्यर्थ, पहले वहां पर निष्ठ उद्गात्री अब क्या हो गया, उत्तर पद हो गया, जो दूसरा द्वंद था वो अब उत्तर पद बन गया, अतएव क्या होगा, पूर्व में रहने वाला पोत्री को आनंद हो जाएगा, होता पोत्री उसको पूर्व पद संज्ञा हो जाएगा, इसलिए आनंदित गकारित गित्वाद अंतादेश अकार उच्चारणार्थ अंतर्वर्तनीय विभक्तिम आश्रित्य पदत्वात् नस्य लोपः, नकार लोप हो जाता है, तो निष्ठ उद्गात्र शब्दे आदगुणश्च आदगुण होकर के रूप बना होता पोता निष्ठ उद्गातारः, हेतोंगी स्वर्णावस्थान गुण कर देगा। राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु परम, राजदंताशु सप्तमिक बहुवचन परम प्रथमा के छंदो पद वाला सूत्र है, एशो पूर्व प्रयोग आरंभ परम स्यात्, इनमें पूर्व में प्रयोग करने योग्य जो थे उनका परमे प्रयोग करना है। दंतानाम राजा, दंतानाम राजा, दांतों का राजा, उसको कहते हैं राजदंत, लेकिन पूर्व प्रयोग करने योग्य कौन था, यहां दंत के षष्ठी समास है, षष्ठी सूत्र ये वहाँ प्रथमांत वो है तद्बोध्य वस्तु हो जाएगा दंता नाम, उसकी उपसंज्ञा होगा उपसर्जनम पूर्व से प्राग प्रयोग होना चाहिए था, उसका पर प्रयोग कर दिया दंत शब्द, राजदंत बन गया। धर्मादिश्व नियम, धर्मादिश्व नियम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये बोलते हैं ना हम लोग, इसमें कोई नियम नहीं है, धर्मार्थ हो अर्थ धर्म हो दोनों हो सकता है, हर से जैसे पहले षष्ठी दिया जान करके दंता नाम राजा षष्ठी दिया सभी को यहाँ ले रहे हैं, पहले वह भी कहा था ना बहुरी समास में भी राजदंता शो परम के अंतर्गत लेकर के ये समास को आप कर सकते हैं, वहाँ पर बताया था, इसीलिए अर्थ धर्म हो धर्मार्थ हो ये द्वंद समास लेकर के कर दिया उन्होंने, इसे द्विवचन है अर्थ धर्म हो धर्मार्थ हो, दंपति जमपति जायापति, जायाच पतिष्यति जायापति, इतने दोनों समास किया, और यहाँ पर लेकिन जाया शब्द को दम आदेश या जाया शब्द को जम आदेश, जाया शब्द से जम भाव दम भावश्च वा निपात्यते है,
इसे तीन तीन रूप बन गया, दंपति जंपति जाया पति, दोनों का अर्थ पति पत्नी। आकृति गण होया, यह आकृति गण है, इसलिए इदादृश जितने भी ऐसे समस्या हो समास का आप देख रहे, प्रक्रिया के लिए कोई सूत्र नहीं है, उसको इसमें डाल के प्रक्रिया बना लेनी है। वहाँ आया था आपको राजदंताशुपुरम का लिया था, अधिक शब्द से द्वंद्व में समास हुआ है, इस गण का इसलिए वो भी ले, वहाँ भी लेना है द्वि का दशा, अधिक शब्द से लेकर समास हुआ है ना वहाँ पर, द्वादश जो बनाए थे तब आपने कहा नहीं, राजदंताशुपुरम लेकर के पूर्व प्रयोग कर देंगे ऐसे कहे थे। इसकी टीका में कुछ है ही नहीं है, राजदंताशुपुरम एक ही पंक्ति, यह द्वंद्व तत्पुरुषयो पाठे अपि अर्थधर्मो इत्यादि अभिप्रायेण से द्वंद्वेश उपन्यास। यदि भी यह इस गण में द्वंद्व समास भी है, तत्पुरुष समास भी है, दृष्टांत आपने पहले तत्पुरुष समास का ही दे दिया है, तो इसको फिर तत्पुरुष समास में दिखाना चाहिए था, इस सूत्र को द्वंद्व समास के क्यों मिलाए, कहते धर्म अर्थधर्मो इत्यादि का अभिप्राय से जान के सूत्र यहाँ लाया ताकि इन वार्तिकों के दिखा सकेंगे। यह गण है बारहवीं चौथी पंक्ति, राजदंत अग्रेवणादि शब्दा तत्पुरुषा विश्वक्सेन अर्जुनादयो द्वंद्वाश्च पठिता, अतो द्वंद्व प्रकरण उपन्यास, इसलिए द्वंद्व प्रकरण इसको उपन्यास किया। विश्वक्सेन अर्जुनो, यहाँ पर क्या विशेषता है, इस गण में क्यों लिया, इत्यत्र अजाद्य दंतम, अर्जुन शब्द कैसा है, अजाद्य और अदंत है, उसका प्राप्त होना चाहिए अजाद्य दंतम सूत्र के द्वारा, इति अर्जुन शब्द से पूर्व निपात्य प्राप्त है पर निपात, जब निपात्यते करते ही है वह निपात्यते मैंने पाक्षी को राजदंताधिकरण में निपातन हो रहा है, क्योंकि पति क्या है अभ्यर्थित माना जाता है, पत्नी की अपेक्षा से पति पूज्य, पत्युर अभ्यर्थित्व भी पर निपात, क्योंकि आ गया अभ्यर्थित अभ्यर्थित प्राग प्रयोग होना चाहिए, फिर यहाँ पर प्रयोग निपातन से हो गए, इसलिए जान के इस गण में रख दिया गया इसको। आगे गणोयाम वृत्तो तो कृष्णोयम गण पठिता, वृत्तिकार ने तो संपूर्ण गण को पाठ करके दिखाया है। द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी, द्वंद्वे सप्तमी एक वचन, घी प्रथमा का एक वचन, द्वंद्वे घी संयम पूर्व सियात, द्वंद समास में जो घी संजक शब्द होगा पद होगा प्रातिपदिक उसका प्राक प्रयोग हो जाएगा। हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, यहाँ पर जो है हरि की संज्ञा वाला होने से प्राक प्रयोग हो गया। अनेक प्राप्ता एकत्र नियमो अनियम शेष है, अनेक प्राप्ता वेकत्र नियमो अनियम शेषे, जब अनेक घी संज्ञा वालों का समास कर तब क्या होगा, कहते अनेक प्राप्त हो अनेक घी संज्ञा वालों को लेकर समास जब कर रहे होंगे वहां पर एकत्र नियम किसी एक को आदि में रख देना है, बाकी घी संज्ञा वालों का और वहां पर एक कोई नियम नहीं है अनियम। जैसे हरि गुरु हराहा, हरि की संज्ञा है गुरु भी की संज्ञा वाला है, उसे भी हरि को हम पहले रखेंगे, ईवर्ण है ना ईवर्णांत होने से कि आई उण से प्राथम्या जो है हरि आ गया, गुरु उसके बाद रखा फिर हर अदंत को रख लिया, यानी गुरु को पूर्व में रखना कोई जरूरी नहीं है, हरि पहला ही रहेगा, लेकिन गुरु हराहा भी बोल सकता हूँ, हर गुरव भी बोल सकता, वहाँ आगे पीछे हो सकती है, इसलिए हरिहर गुरव, हरिहर गुरव गुरु शतपर में चला गया, वो भी घी संज्ञा वाला था और हरा घी संज्ञा वाला नहीं है, लेकिन जो दूसरा घी संज्ञा वाला यहाँ रहा गुरु पद उसका प्राग प्रयोग का कोई नियम नहीं है, पर भी हो सकता है पूर्व भी हो सकता है, लेकिन एक को तो नियम बनाना पड़ेगा, एक को तो पहले रखना ही पड़ेगा, अनेक में से एक घी संज्ञा वाला वहाँ पर वर्ण आदि ध्यान में रखते हुए इन्हें हरि को पहले रख दिया गुरु को नहीं रखा, रह सकता था लेकिन हम कहेंगे नहीं, उपस्थिति जो है इकारांत की उपस्थिति प्रथम होती है, आई उड़
प्रथम अवश्य थे वहाँ ई, इसे इकारा जी ज्यादा श्रेष्ठ मान करके हरि को पहले रख देते हैं। इसे दृष्टांत में दर दिया हरि गुरु हराहा अथवा हरिहर गुरव, ये रूप बनता है। अजाद्यदंतम, अजाद्यदंतम इदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्, जो अजादी हो और अदंत हो ऐसा जो प्रातिपदिक है वो हमेशा प्राक प्रयोग होगा। ये तो लगाया था अभी विश्वक्सेन अर्जुन में, अर्जुन अजादी और अदंत था, इसका पर प्रयोग हो गया। इस सूत्र को बाल करके राजतंत्र अधिकरण में निपातन से किया गया। ईश कृष्ण, ईश कृष्ण, ईश अजादी है और समय समय आने से अदंत है और कृष्ण हलादी अदंत है, इसलिए ईश प्राग प्रयोग हो जाएगा। बहुष्व नियम अजादी अदंत अनेक ले लिया तब, जैसे अश्व इंद्र दो शब्द है, अश्व भी अजादी अदंत है, इंद्र भी अजादी अदंत है, किसको पहले रखेंगे? एक को पहले रखना पड़ेगा। उसे भी क्या है वर्ण का, इंद्र को रख भी सकते हो उधर उधर भी ले जा सकते हो। अश्व रथेंद्रहा, अश्व रथेंद्रहा कर दिया, और इंद्र अश्वरथा भी, इंद्र अश्वरथा, अश्वेंद्र रथा भी हो सकता है, अश्व इंद्र और रथ को रख दो, यू भी समास हो सकती, इसमें कोई नियम नहीं है। वहां तथा ना वहां क्या था, अनेक प्रति एकत्र नियम था, जिस समय में एकत्र नियम कर दिए आप, इसलिए इकारांत को पहले रखना ही पड़ा सभी पक्ष में हरि को, यानी वो ऐसा नहीं है बहुशु केवल अनियम कह दिया, इसलिए अकार आदि को भी पहले रख सकता हूँ, इकार आदि को आप भी पक्ष एक बार बना सकता हूँ और वहां पर भी आपस में आगे पीछे कर सकता हूँ। अतः यहाँ पर क्या होगा, चार चार रूप बन जाएंगे, अश्वरथेन्द्राहा एक हो गया, इंद्राश्वरता ठीक, और अश्व इंद्ररता, अश्व इंद्ररता ये भी हो जाएगा, और इंद्राश्वरता इंद्ररथाश्वा इंद्र रथाश्वा बन जाएगा। इस तरह से बहुश अनियम बनकर क्या चलता है। हाँ वार्तिक है ना, वार्तिक है तो वैसे वो वार्तिक, वैसे भी वार्तिक था, लिखा नहीं इन्होंने। घंताद अजाद्य दंतम विप्रशे देना, अब घी संजा वाला है घंत है, वहां पर अजाद्य दंतम अजाद्य दंत को ही विप्रशे से करनी चाहिए, जैसे इंद्राग्नि, इंद्र क्या है अजाद्य दंत, अग्नि घी संज्ञा, द्वंद्व के अनुसार घी पहले आना चाहिए था और अजाद्य दंत के अनुसार अजादंत पहले आना चाहिए, लड़ाई होगी कौन करे, तब विप्रषेध कर दो, विप्रषेध परम कार्य, पर कौन सूत्र यहाँ अजादंतम, इसे पर सूत्र का कार्य हो गया, वो 32 है ये 33 है, अतएव पहला आ जाएगा आपका इंद्र शब्द, बाद में जाएगा अग्नि शब्द। द्वंद्वे की अनेकाम इति सर्वेशामेव प्रथमा निर्दिष्टत्वेन उपसर्जनत्व अविशेषा, क्योंकि अनेकम के कारण से द्वंद्व समास में होता है सब प्रथमांत होंगे, सब के सब उपसर्जन संज्ञा है, इसीलिए अनियम प्राप्त अयम आरंभ, तब किसका प्राग प्रयोग करना किसका पर प्रयोग करना ये नियम नहीं बन पाया, तब ये विषय सूत्रों को आरंभ किए हैं। यत्र तो अनेकम घ्यंतम तत्र द्वयोरपि पुनिपात नियम स्यात्, लेकिन जहाँ अनेक घ्यंत का प्रयोग हो जाए जिस समास में वो दोनों का प्राग प्रयोग होना चाहिए, तब कहते नहीं नहीं अनेक प्राप्त एकत्र नियम अनियम शेषे एवार्तिकार भुवा। अत्र व्याचक्य आकृतो पदार्थ समुदाय सकल लक्षण प्रवर्तते, व्यक्ति पक्ष और आकृति पक्ष दो है ना, आकृति पक्ष और व्यक्ति पक्ष दो पक्ष है, घित्तावच्छिन्न घी लोग है, घित्तावच्छिन्न घी योग्य आकृति पक्ष, एक बार प्रवृत्ति दोबारा सूत्र प्रवृत्ति नहीं हो सकता। आकृतो पदार्थ है समुदाय सकल लक्षण प्रवर्तते, समुदाय में एक बार लक्षण प्रवृत्त हुआ, न प्रति व्यक्ति आवृत्या, प्रति व्यक्ति को प्रति के संज्ञा प्रत्येक पद को लेकर अलग अलग कर ले जो है उनको लेकर के आप बारंबार सूत्र को लगा नहीं सकते। जैसे दो तीन आया की संज्ञा वाला, एक बार लगा दिया आपने, एक की संज्ञा वाले को पहले रख दिया, फिर बाकियों में लड़ाई हुई उनमें भी पहले, फिर दोबारा सूत्र लगा करके पहले की संज्ञा वाले रखो, ये नहीं हो सकता आकृति पक्ष में। तथा एक से पूर्णिपात सती जातो लक्षणम प्रवृत्तम, क्योंकि एक को पूर्णिपात करके आप
लक्षण का प्रयोग कर दिया, मैंने सूत्र प्रयोग हो गया, तो वहाँ पर थी नप न प्रवृत्त है, इसे अन्य जैसे वाले पदों में दोबारा प्रवृत्त नहीं होगा। व्यक्ति पक्षस्तु यह नाश्रित है, इस सूत्र विशेष तौर पर व्यक्ति पक्ष का आश्रय नहीं किया जाएगा लक्ष्य अनुरोधात्, क्यों, लक्ष्य के अनुरोध से। इति हरिहर गौरवा इसलिए बनेगा, हरिहर हर गुरु शब्द और न नियम प्रवर्तित भाव, कहने का मतलब हर और गुरु शब्दों में कोई नियम प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि नियम में लग गया हरि में, एक आगे आ गया बस उसी मात्र में स्थिर हो गया। अजाद दंता समुद्राभ्राद घ लक्षण हेतु तो क्रियाया इत्यादि निर्देशात अनित्यम इदम प्रकरणम। समुद्र और अभ्र, समुद्र अभ्र, अभ्र क्या है, अजाद दंत पर प्रवेश कैसे कर दिया, समुद्र हला दिया, इनको पूर्व में कैसे प्रयोग कर दिया पाणिनि ने, अप्र समुद्राध होना चाहिए था, समुद्रापराध कैसे कर दिया, इसे मालूम होता है ये अजादयंतम सूत्र अनित्य है। ये तो बिल्कुल यहाँ अनित्यम इदम प्रकरणम, ये प्रकरण ही अनित्य है। घी संज्ञा वाले भी ऐसे बता रहे, देखो ना लक्षण हेतु हो, हेतु शब्द क्या है घी संज्ञा, लक्षण क्या है बिना घी संज्ञा वाला, हला दिया जंत है, तो हेतु पहले आना चाहिए ना द्वंद्वे घी से, पाणिनि कैसे प्रयोग कर दिया, ये ज्ञापन कर ले, इस पूरा जो नियम जो बना रहे हैं पूरा प्राग पूर्व प्रयोग का नियम निपातन, ये सब लक्षणोध से ही व्यवस्था है, सूत्र को इस वास्तव में नित्य लागू नहीं होते हैं। तेने चा इसे लाभ क्या हुआ, स सौष्ठोदार विशेषशाली नाम इति भारवी प्रयोग संगच्छते, भारवी का प्रयोग भी उचित हो गया। सौष्ठव औदार्य विशेष और शाली, तो शाली क्या था घी संज्ञा, उसको प्राग प्रयोग होना चाहिए ना द्वंद्वी से, उन्हें पर में प्रयोग कर दिया अंत में जाकर के, वो भी गलत नहीं है क्योंकि सूत्र नित्य होने के नाते लागू नहीं हुआ।